नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज, डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं बर्ड्स के एप्स के ऑर्डर्स कोलम्बी फॉर्मिस, स्ट्रिकी फॉर्मिस, सिटेकी फॉर्मिस, पिकी फॉर्मिस, पैसरी फॉर्मिस एंड ग्री फॉर्मिस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से बर्ड्स की क्लास एव्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत शेष बचे सारे ऑर्डर्स पूर्ण हो जाएंगे। तो बर्ड्स के अंदर आप ये देखिए, कोलम्बी फॉर्मिस, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, कोलम्बी अर्थात इसका नामकरण कोलम्बिया पिजिन के कबूतर के प्रधानता के कारण इस ऑर्डर का नाम कोलम्बी फॉर्मिस पड़ा है। इसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल कोलम्बिया लिविया है। इसके प्रमुख करेक्टर्स क्या हैं वो देखिए। पहला करेक्टर, ये स्वभाव में ग्रेगेरियस होते हैं तथा बड़े झुंडों में रहते हैं। इनके शीर्ष पर छोटी एक हरी चोंच होती है जिसके आधार पर सियर नामक कोमल त्वचा का ढक या फ्लैप होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्लैप है या जो सियर है, ये बर्ड्स के खासतौर से पिजन्स के जो कि लंबी उड़ान के पक्षी हैं, इनमें नेविगेशन के अपने एरिया को लोकेट करने के काम आता है। ये दूर दूर तक उड़ कर जाते हैं और वापस अपने घर, अपने गड़बे तक, अपने घोंसले तक, अपने हैबिटाट में बिना भटके आ जाते हैं। वो इस सियर की करामात है। तीसरा करेक्टर, इनकी बॉडी पर प्लूमेज स्टील ग्रे रंग के होते हैं। प्लूमेज अर्थात जो पंख होते हैं वो स्टील ग्रे रंग के होते हैं, और इनके स्टील ग्रे कलर के कारण ही इनको रॉक पिजन भी कहा जाता है। इनके ग्रीवा एवं ऊपरी वक्ष क्षेत्र में फैदर्स चमकदार हरे एवं बैंगनी रंग के होते हैं। पंखों पर दो गहरे रंग की पट्टियां भी होती हैं जो इनकी प्रमुख पहचान होती है। चौथा पॉइंट, इनकी टांगें पतली होती हैं तथा पैरों पर नखर युक्त चार अंगुलियां होती हैं जो चलने एवं पेड़ों पर बैठने के लिए, पर्चिंग के लिए अनुकूल होती हैं। इनके विंग्स अति विकसित एवं प्रभावशाली होते हैं जिसके फलस्वरूप कबूतर क्या करते हैं, तेज गति से लंबी उड़ान भर सकते हैं। कबूतर मुख्यतः अनाज के दाने खाते हैं, किंतु यह घोंघे, कृमि, कीट आदि छोटे जंतुओं को भी खाने में नहीं हिचकिचाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, प्रमुख एग्जाम्पल कोलम्बिया, सारी डव्स कमेडी जिसको कहते हैं, वो भी पिजन्स के साथ ही आती हैं। कबूतरों की बहुत सारी प्रजातियां, ऑर्नामेंटल पिजन्स भी हैं, लक्का पिजन, वाइट पिजन उड़ने वाले, स्टील ग्रे कलर के रॉक पिजन्स, डिफरेंट डव्स, इसके एग्जांपल्स हैं कोलम्बिया लिए वगैरह। दूसरा ऑर्डर है, नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 7, स्ट्रिकी फॉर्मिस। स्ट्रिकी फॉर्मिस के अंदर जो जंतु सम्मिलित किए गए हैं उनमें आउल्स होते हैं।
तो इनके क्या करैक्टर है? ये बड़े गोलाकार शीर्ष पर सामने की ओर स्थित, इनमें बड़े नेत्र होते हैं। इनके जो नेत्र होते हैं प्राइमेट्स की तरह से, जैसा कि आप जानते हैं प्राइमेट्स में, मैमल्स के प्राइमेट्स में आईज सामने की ओर होती हैं, इन बर्ड्स में भी आईज सामने की ओर स्थित होती हैं, शीर्ष पर गोलाकार बड़े बड़े नेत्र होते हैं और आगे की ओर होते हैं। बड़े कर्ण छिद्रों की जोड़ियाँ उपस्थित होती हैं, जैसे मेमल्स में बड़े बड़े कर्ण होते हैं वैसे इनके भी कर्ण छिद्रों की जोड़ियाँ उपस्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष पर एक पैनी नीचे की ओर मुड़ी हुई बीक उपस्थित होती है। पैनी मतलब तीखी नीचे की ओर मुड़ी हुई, तोते की तरह से थोड़ा तोते की जैसी चोंच होती है, उससे ज़्यादा बाज की चोंच की तरह से इनकी नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच होती है, जो हुक की तरह से अनुकूलित होती है। ये प्रेडेटर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, और ये चूहे, गिलहरियाँ, खरगोश, छोटे पक्षी इनका शिकार करके, उनके चूजों का उनका शिकार करके उनके मांस को नोच कर खाते हैं, इसलिए इनकी चोंच ऐसे अनुकूलित होती है। इनके तेज नखर युक्त पाद होते हैं और शिखर को मजबूती से पकड़ने के लिए विभेदित होते हैं। ये तेज नखर युक्त पाद जो होते हैं ये एक और काम करते हैं, ये अपने शिकार को कस के पकड़ने का काम करते हैं जिससे कि शिकार छूटे नहीं। इनको अपने शिकार को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके भी जाना पड़ता है, मारे हुए शिकार को। ये अपने बच्चों को शिकार किए हुए मांस को या शिकार को उपलब्ध कराने के लिए उनके घोंसलों में लेके जाते हैं। तो इन्हें लंबी उड़ान करके, जहाँ इनका घोंसला होता है रॉक्स की चट्टानों में, कंदराओं में, वृक्षों के कोटरों में, तो वहाँ तक इनको ले करके उड़ान भरनी पड़ती है शिकार को। इसलिए इनके नखर युक्त पैर होते हैं जिनमें नाखून बड़े होते हैं, जिससे कि शिकार की ग्रिपिंग बन जाती है। तीसरा बिंदु है, इनके शरीर के फैदर्स कोमल रोएदार होते हैं, जो पृष्ठ पर हल्के भूरे तथा अधर पर सफ़ेद से होते हैं। पीछे भूरे इसलिए होते हैं क्योंकि जब जमीन पर ये बैठते हैं तो ये मिमिक करते हैं, ये जमीन के रंग से मिल जाते हैं जिससे कि दूसरे पक्षियों को ये दिखाई नहीं देते। और जब आसमान में उड़ रहते हैं तो उड़ रहे होते हैं तो वेंट्रल सरफेस पर इनके हल्के रंग के फैदर जो होते हैं, डाउन फैदर्स, ये फैदर्स जो होते हैं वो इनके प्रे को दिखाई नहीं देते हैं, ओझल हो जाते हैं। ये इनके लिए एक प्राकृतिक अडेप्टेशन है, अनुकूलन है इनके स्वयं के हित के लिए। चौथा पॉइंट, ये रात्रिचर होते हैं, परभक्षी होते हैं, मांसाहारी पक्षी हैं। ज़्यादातर ये रात को ही निकलते हैं और अपने पक्षियों को धोखे से पकड़ के अपने शिकार को खा लेते हैं। तो धोखे से पकड़ने के लिए रात्रि में दूसरे पक्षियों को दिखाई नहीं देता और ही नहीं दिखाई देता है, ये रात्रि में शिकार के लिए निकलते हैं और अपना शिकार करते हैं। और छोटे परिमाण के अन्य पक्षियों में मेमल्स का ये शिकार करते हैं। इसके एग्जांपल्स प्रमुख रूप से ऑयल होते हैं, ऑयल ऑयल का जूलॉजिकल नेम है बुबो बुबो, घुघु या ग्रेट हॉर्न ऑयल, बार्न ऑयल, टैटो एल्बा जिसको कहते हैं, या एक प्रकार एक ऑयल होता है जिसको खूसट कहते हैं, स्पॉटेड ऑयल, एथेनी ब्रामा उसका जूलॉजिकल नेम है। तो गुग्गू, बारनाउल और खूंसट ये इसके प्रमुख एग्जांपल्स हैं।
ऑर्डर नंबर 8 में सेटेकी फॉर्मिस, इनके देह हरे फैदर से ढकी होती है। सेटेकी मतलब सेटेकुला इसका प्रमुख एग्जांपल है और रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है, उसके नाम पर ही इसको सेटेकी फॉर्मिस कहा जाता है। इस ऑर्डर को पहला पॉइंट, इनके देह हरे फैदर से ढकी होती है तथा नर की ग्रीवा पर गहरे रंग का छल्ला होता है। कई जातियों में कंधे पर गहरे लाल रंग के धब्बे होते हैं तथा कई जातियों में शीर्ष नीले लाल रंग का तथा कंधे जो होते हैं इनके गहरे लाल रंग के होते हैं। इनके डैनों पर भी लाल रंग हो सकता है। गले में एक रिंग होती है इनके ग्रीवा भाग में जो लाल रंग की होती है, जो कि प्रमुख रूप से मेल बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। चोंच छोटी होती है किंतु पैनी होती है, जो कि फ्रूट्स को खाने के लिए अनुकूलित होती है एवं नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। चोंच के आधार पर त्वचा का एक कोमल ढक अर्थात सियर उपस्थित होता है और ये भी इनके नेविगेशन में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट, इनके पाद पेड़ों के शाखाओं को पर्चिंग के लिए पकड़ने के लिए या चढ़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चार पैने नखरयुक्त अंगुलियां उपस्थित होती हैं। इनमें से दो अंगुलियां सेकंड एंड थर्ड आगे की ओर तथा दो अंगुलियां इनकी फर्स्ट और फोर्थ पीछे की ओर डायरेक्टेड होती हैं, उन्मुख होती हैं। अगला पॉइंट, ये ग्रिगेरियस होते हैं, यूथी स्वभाव के होते हैं तथा बड़े झुंडों में रहते हैं। तोता कभी भी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारे साथियों के साथ में एक साथ झुंड में रहता है, झुंड में ही उड़ते भी हैं ये और साथ में कम से कम ये जोड़े में ही रहते हैं। इनका प्रमुख भोजन फ्रूट्स होते हैं, एग्जाम्पल इनके तोते हैं, सीटाकुला क्रीमेरी जियोलॉजिकल नेम है, सीटाकुला जीनस है और क्रीमेरी स्पीसीज है जो कि इंडियन हरा तोता होता है, छोटा तोता क्रीमेरी। नवा ऑर्डर पिकीफॉर्मिस। पिकीफॉर्मिस के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, उनको उपापा या हुपू हुदहुद भी कहते हैं, वुड पिकर इसके कठपुड़वा के नाम से भी जानते हैं इसको, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनके क्या होता है कि इनके देह के फेदर्स भूरे रंग के होते हैं, पीठ पंख तथा पुच्छ के परों पर काली धारियां उपस्थित होती हैं। इनके शीर्ष के शिखर पर पिच्छों की कलंगी होती है, फेदर्स की कलंगी होती है जो फैलने पर एक सुंदर फैन के समान दिखाई देती है। इनकी लंबी चोंच पतली एवं थोड़ी सी नीचे की ओर मुड़ी होती है। इनकी चोंच धरती के भीतर बिलों में रहने वाले कृमि एवं कीटों को निकालकर खाने के लिए सक्षम होती है। इनके पाद पेड़ों की टहनियों से सुलभता से संलग्न हो जाते हैं और जीवित भोजन पकड़ने में घोंसला बनाने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं उपोपो या हुपू हुदहुद जिसको कहते हैं, वुडपीकर इसके एग्जांपल हैं। ऑर्डर नंबर 10 पैसरीफॉर्मिस। पैसरीफॉर्मिस के अंदर पैसर डोमेस्टिकस या स्पैरो गोरैया हाउ जो डोमेस्टिक बर्ड है अपने घरों के आसपास पाई जाती है वो इसमें सम्मिलित होती है। पैसर डोमेस्टिकस के नाम के कारण ही इस ऑर्डर का नामकरण पैसरीफॉर्मिस किया गया है। इनका शरीर शीर्ष ग्रीवा धड़ में विभेदित होता है। धड़ के पश्च में लंबे लंबे परों के पुच्छ होती है।
गोल इनके दूसरा पॉइंट है, इनके गोल शीर्ष पर छोटी अपेक्षाकृत सीधी चोंच होती है जो दंतहीन होती है। इनके अग्रपाद बड़े पंख बनाते हैं जो उड़ान के लिए होते हैं, और पश्चपाद छोटे होते हैं जिन पर अंगुलियां होती हैं। अंगुलियों पर पैने नखर होते हैं, क्लाउज होते हैं, और पश्चपाद चलने में काम आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए स्पैरो, ड्रेंगो, मैना, क्रो, पैसरी फॉर्म इसमें आते हैं, कौवे वगैरह, मैना वगैरह, बुलबुल है, रॉबिन है, ये इस तरह के जो बर्ड्स हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। आखिरी ऑर्डर है इस 11th नंबर का, जिसको कहते हैं ग्रुई फॉर्मिस। ग्रुई फॉर्मिस के अंदर जो पक्षी होते हैं वो मरुस्थलीय पक्षी हैं, डेजर्ट पक्षी हैं, जो राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनका परिमाण बड़ा होता है, यह ऊंचाई में लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तथा भार में 15 किलोग्राम तक होते हैं। इनके शीर्ष में लंबी ग्रीवा एवं भारी धड़ पिच्छों से ढकी होती है, लंबी नेक होती है जो कि भारी धड़ और पिच्छों से मतलब फेदर से ढकी भी होती है। पीठ के फेदर्स काले रंगयुक्त गहरे मटीले रंग के होते हैं और निचला हिस्सा जो होता है इनका सफ़ेद होता है। ग्रीवा सफ़ेद होती है किंतु शीर्ष का शिखरीय क्षेत्र काला होता है। इनकी टांगों पर पिच्छों का अभाव होता है, इसमें उड़ान भरने की क्षमता भी होती है और यह दौड़कर उड़ान भरता है। स्वभाव में यह प्रायः एकल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, और इनका प्रमुख भोजन क्या होता है, घास फूस के दाने होते हैं तथा छोटे जंतु जैसे कीट, कान खजूरा, लिजार्ड, छिपकली इत्यादि होते हैं, इनका ही भोजन करते हैं, इनका ही शिकार करते हैं। इनका शिकार कर ये मानव ने लगभग इनका क्या हुआ कि ये मनुष्य ने इनको शिकार करके आमतौर पर ख़त्म कर दिया है, और ये संरक्षित पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य ने इनका खूब शिकार किया भोजन के पर्पज़ से, मीट के पर्पज़ से, और इनको विलुप्तता के कगार पर पहुंचा दिया है। इसके एग्जाम्पल हैं कैरियोटिस, गोडावण या हुकना इसके एग्जाम्पल हैं। राजस्थान की स्टेट बर्ड है कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, याद रखें इसको, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान होती है। इस प्रकार से आज के व्याख्यान में आपने देखा कि एव्स के शेष 6 से लेकर 11 तक के ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स पूरे हो गए, और कल अगले व्याख्यान में मैं मेमल्स क्लास में मेमेलिया की सब क्लास और ऑर्डर्स की बात करूँगा। थैंक यू।